हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मोमोज़ की चटनी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। आप चाहें तो इसे घर पर बनाकर स्टोर करके भी रख सकती हैं और बाहर की चटनी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको आगे की रेसिपी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर मिर्चा ले लिया है एक मुट्ठी, और इसमें 4-5 सिर्फ हरी मिर्च मैंने डाला है। इसको पानी में आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया है। और यहाँ पर हमारा अदरक है 2 पिंच, और एक प्याज, एक टमाटर मैंने लिया है। जितना मैं बना रही हूँ उसी हिसाब से मैंने एक टमाटर एक प्याज लिया है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहें तो आप इसे और भी मात्रा बढ़ा सकती हैं प्याज और टमाटर का, मिर्च का। तो देखिए मैं प्याज को कट कर लूँगी, फिर इसके बाद मैं टमाटर को भी कट कर लूँगी इसी तरह से। अगर आप ये चटनी बना लेंगे तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल बाहर जैसे ही स्वाद मिलेगा। तो देखिए मैंने सारा कट करके तैयार कर लिया है। फिर चलिए मैं यहाँ पर मिक्सी की जार लूँगी और मिर्चे को मैं इसमें डाल लूँगी। पानी अभी मैं नहीं डालूँगी, सारे मिर्चों को मैं इसको छान कर मैं डाल लूँगी इसमें। इस चटनी को आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। मैंने मिर्चा डाल दिया फ्रेंड्स। फिर इसमें कटा हुआ अदरक, टमाटर, प्याज भी मैं इसमें डाल दूँगी। फिर आधा कप मैं इसमें पानी डालूँगी। तो देखिए मैंने पानी डालकर मैं इसको पीस पीस लूँगी। पीस के हमारा तैयार हो गया है। अगर पानी कम पड़े तो आप थोड़ा सा और ऐड करके पानी डालकर पीस लीजिएगा। तो देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है पीस कर। लेकिन अभी हमारा तैयार नहीं हुआ फ्रेंड्स, अभी नहीं सोचेगा, अभी आगे की भी प्रोसेस में बताती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई, गैस के ऊपर रख देंगे कढ़ाई। फिर सारे चटनी को मैं इसमें डाल दूँगी। जैसे मार्केट में बनता है वैसे ही मैं बना रही हूँ, पर ये हमारा घर का है तो बहुत शुद्ध है। और थोड़ा सा मिक्सी के जार में मैं पानी डालूँगी आधा कप। अच्छे से धुल कर हम इस चटनी में डाल देंगे पानी को। फिर इसको 4 मिनट के लिए इसको गैस पर हम पकाएंगे, क्योंकि जो कच्चापन है वो हमारा निकल जाता है पकाने से। हम ऐसे ही बनाकर रख लेते हैं चटनी। और बाहर से हम मोमोज मंगाते भी हैं अगर, तो हम बाहर की चटनी नहीं खाते, अपने घर का बनाए ही चटनी खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से हमारा पक रहा है चटनी। इसी तरह से हमें पकाना है। अब चलिए अब मैं इसके बाद से मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। मैंने स्वाद अनुसार 1 चम्मच इसमें नमक डाल दी हूँ। चटनी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही रहता है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम चलाते हुए इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मोमोज की भी रेसिपी बनाई हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं वहाँ से जाकर। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच जाएगी। तो देखिए हमारा चटनी बनकर तैयार हो गया। मैंने गैस को ऑफ करके चूल्हे के ऊपर से उतार दिया। फिर फ्रेंड्स ठंडा होने के बाद से ये बहुत ही ठीक हो जाता है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।